होते हैं, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसा दाई और आलम इस्लाम की बका के लिए लड़ते लड़ते जिसने जामे शहादत नोश कर लिया, वो सिपा सलार भी सारी जिंदगी इतनी फुर्सत ना मिली कि खाना काबा की जियारत के लिए एक दफा भी जा सकता। जब भी आपने हज बैतुल्ला के लिए पैसे जमा किए तो आप किसी न किसी महाज पे खर्च कर देते और कभी आप ये कहते कि ये पैसे मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए मैं कुर्बान करता हूँ। बैतुल मुकद्दस की फतह के लिए लड़ते हुए, हाजियों के तहफ्फुज़ के लिए, उन पर जो कातिलाना हमले होते थे, उनको जो डाके मारे जाते थे, उनको लूट लिया जाता था, तो आप उनके तहफ्फुज़ के लिए लड़ते रहे सारी जिंदगी, लेकिन एक मरतबा भी हज बैतुल्ला की सादत ना हुई। तो इसका ये मतलब है कि उन्हें सरकार ने बुलाया नहीं, जो कि तोहीन रसालत के लिए दो साल तक आप सो नहीं सके। सलेबी जनरल बुरनस ने जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जब एक काफले को उसने लूटा तो कहा बुलाओ अपने नबी को, तो सलाहुद्दीन अयूबी को जब ये आवाज सुनी, जिसने ये कलमात सुने, तो दो साल तक आप नहीं सोए जब तक उस जरनेल का सर कलम नहीं कर लिया। ये थे सिपा सलार और ये हुआ करती थी गैरत।